गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर इशिता। सो थंबनेल देख के एंड लोगो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा मेरी आज की वीडियो की टॉपिक क्या है। सो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ राखी स्पेशल लुक की एक छोटी सी ट्यूटोरियल। मैंने मेरे आज का ट्यूटोरियल बिगिनर्स को दिमाग में रखते हुए बनाया। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि राखी आने वाली है, सो इसीलिए मैंने आज आप लोगों से एक राखी स्पेशल लुक का ट्यूटोरियल शेयर किया। गाइस, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एंड बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स से मेरा ये लुक क्रिएट किया है, ताकि आप सब भी बहुत इजीली मेरी तरह ये ब्यूटीफुल सा लुक पा सको। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो में जाने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे के रेड ऑप्शन में जाके सब्सक्राइब कर दो एंड साइड में जो छोटू सा बेल ऑप्शन है उसे जाके ऑन कर दो, ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो विदाउट फर्दर लुक। तो सबसे पहले मैंने अपना हेयर एक हेयर बैंड से फिक्स कर लिया है, ताकि मेकअप के टाइम प्रॉब्लम ना हो। मैंने अपना फेस पहले से क्लीन कर लिया है, देन मैंने यूज किया है टोनर एंड मॉइस्चराइजर। किसी भी मेकअप करने से पहले आपके फेस में क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे आपका मेकअप और ज्यादा फ्लॉलेस होगा। नाउ आई एम यूजिंग मेबेलिन वन डे परफेक्ट बिफोर मेकअप प्राइमर। इसे मैं अपने चीक्स पे, नोज पे बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर लूंगी, ताकि ये मेरे ओपन पोर्स को क्लोज करने में हेल्प करे। अब मैं यूज करूंगी येलो करेक्टर जो कि है क्राइडॉन के पैलेट से। अब मेरे फेस पे जहाँ जहाँ भी डार्क स्पॉटेज है, लाइक अंडर आई एरिया, नोज पे या भी लिप्स के साइड में, वहाँ वहाँ मैं ये येलो करेक्टर अप्लाई कर लूँगी। अब मैं अपने बेस मेकअप के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 सीसी क्रीम। आप कोई भी बीबी क्रीम या फिर फाउंडेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एक नेचुरल लुक देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम ही प्रेफर करूंगी। इसे मैं अपनी फिंगर टिप्स के हेल्प से पूरे फेस में एंड नेक पे बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर लूंगी। अब मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे फेस में ब्लेंड कर लूंगी। इस टाइम पे मैं कोई भी हाइलाइटर यूज नहीं कर रही हूँ। मैंने उसी सीसी क्रीम को थोड़ा और अमाउंट में लेके अपने अंडर आई, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, लाइक जितने भी हाइलाइटेड पॉइंट है मेरे फेस में, वहाँ पे अप्लाई कर लिया एंड उसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अपने फेस में ब्लेंड कर लिए। अब मैंने बेस मेकअप को फिक्स करने के लिए यूज किया है ग्लैम 21 का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। इसे अपने फेस पे अप्लाई करके थोड़ा सा ड्राई कर लूंगी एंड एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है एक ब्लेंडर के हेल्प से उसे हल्के हाथों डैब करके क्लीन कर लूंगी। फिर मैंने अपने फेस को लॉक करने के लिए यूज किया है मिस क्लैरी का लूज पाउडर। आप चाहो तो कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते हो। तो इसे करने के बाद मैं डायरेक्ट आ जाऊंगी मेरे आईब्राउज। पहले मैंने अपने आईब्राउज को कॉम कर लिया है, फिर मैंने एक एंगुलर ब्रश के हेल्प से मेरे आईब्राउ को सेट कर लिया है। आपके पास अगर आईब्रो किट ना हो तो आप कोई भी आईब्रो पेंसिल्स यूज कर सकते हो, या फिर आप कोई भी ब्राउन या ब्लैक आई शेडो से भी ये काम चला सकते हो। गाइज, आई एम सॉरी कि मैं वीडियो में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स शो करना भूल गई, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक देने की कोशिश करूंगी, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। अब मैंने अपने अंडर आईज पे थोड़ा सा लूज पाउडर अप्लाई कर दिया है। नाउ मैं स्टार्ट करूंगी मेरे आई मेकअप का प्रोसेस। गाइज, मैं यहाँ पे बहुत ही न्यूड एंड सिंपल लुक देना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने यूज किया है मेबेलिन का न्यूड पैलेट। में से मैंने एक बहुत ही लाइट ब्राउन शेड लेके अपने इनर कॉर्नर पे एक स्मॉल आई शेडो ब्रश के हेल्प से बहुत ही हल्के हाथों ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने एक मीडियम ब्राउन शेड लेके अपने 1/3 आई लिड पे हल्के हाथों ऊपर की तरफ ब्लेंड किया है। आई मेकअप के टाइम थोड़ा सा पेशेंस लेके बहुत ही हल्के हाथों से इसे ब्लेंड करना होता है, ताकि ये एकदम फिनिश्ड लुक आए। अब मैंने लिया है एक डार्क ब्राउन शेड, इसे अपने आईलिड के आउटर वे में उसी स्मॉल ब्रश के हेल्प से स्मज कर लूंगी। प्रोसेस में मैं आईलाइनर यूज नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लिया है एंड इसे अपने अपर लैश लाइन के बहुत करीब करीब थोड़ा सा स्मज कर लिया है। अब मैं अपने दूसरे आईज पे भी सेम प्रोसेस में अप्लाई कर लूंगी।
अब फिनिशिंग लुक के लिए वही ब्राउन शेड लेके मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूंगी। अब मैं एक गोल्डन हाइलाइटर शेड के हेल्प से अपने ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर पे भी हाईलाइट कर लूंगी। बिगनर्स के लिए बोल रही हूँ, आप अगर चाहो तो अपने फिंगर टिप्स के हेल्प से भी ये इनर कॉर्नर हाईलाइट प्रोसेस कर सकते हो। अब बारी आती है आईलैश की। मैंने यहाँ पे कोई भी फॉल्स आईलैश के यूज नहीं किया है, मैंने सिर्फ मस्कारा का यूज किया है। मैं एक कॉन्टोर पैलेट के हेल्प से अपने फेस के कॉन्टोर एरिया में बहुत अच्छे तरह से कॉन्टोर कर लूंगी। अब मैंने यूज कर लिया है एक बहुत ही लाइट पीची शेड ब्लशर का नाम मुझे भी याद नहीं है, मैं इसे जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अब मैंने थोड़ा सा अपने नोज को भी कंट्रोल कर लिया है। अब मेरे फेस में जहाँ जहाँ भी थोड़ा सा हाईलाइट की जरूरत है वहाँ बहुत ही लिटिल अमाउंट में हाईलाइट कर लिया है, ताकि ये मेकअप बहुत ही नेचुरल एंड ग्लोई सिंपल लुक लगे। अब मैं लिप्स के लिए यूज कर रही हूँ शुगर का एक बहुत ही अच्छा न्यूट पिंक शेड। अब मैं अपने नेक पे भी थोड़ा सा लूज पाउडर अप्लाई कर लूंगी एंड मेरे कॉलर बोन पे थोड़ा सा हाईलाइट कर लूंगी। तो या डन, दैट्स द फाइनल लुक। मैंने अपने हेयर को भी थोड़ा सा सेट कर लिया है। तो गाइज, माय टुडेज राखी स्पेशल लुक इज रेडी।